कलर्स के सीरियल सावी की सवारी में आज सोनम अपने होशो हवास में नहीं है। असल में सोनम के सामने रक्षम के अडॉप्शन का सच आ जाता है, जिसके बाद वो अपना आपा खो बैठती है और पागलों की तरह देखिए कैसे वो घर में कर रही है हंगामा। ऐसे में डिम्पी भी आकर उसे खरी खोटी सुनाती है। वही सोनम के दिमाग में हो गया है केमिकल लोचा, तभी तो देखिए कैसे वो कांच पर लिख रही है। ऐसे में सभी घर वाले सोनम की ये हालत देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। फाइनली सोनम को अब पता चल गया है कि रक्षम जो है वो दालमिया घर का मेंबर नहीं है, वो एक अडॉप्टेड पर्सन है। अडॉप्ट किया गया था उसको जब वो बहुत छोटा था, और सोनम ने तो इसीलिए शादी की थी कि मैं दालमिया घर में जाऊंगी, दालमिया घर की बड़ी बहू बनूंगी, घर पे राज करूंगी, अपने फ्रेंड्स के ऊपर शो ऑफ करूंगी कि मैं कैसे किस स्टेटस पर हूँ ये वो। लेकिन उसका दिल टूट जाता है ये जानकर कि रक्षम तो इस घर का खून है ही नहीं। तो जब इस घर का खून ही नहीं है वो, तो फिर दालमिया भी नहीं है। तो सोनम को बेसिकली ये अभी बैठ गया है माइंड में कि अब मुझसे दालमिया का जो सरनेम है वो शायद छिन जाएगा कहीं ना कहीं। वो जले पे नमक डाल रही हैं उनको। अभी तक जो मैंने रॉब दिखाया था ना कि मैं सुनो मैं इस घर की बहू हूँ, सुनो मेरे लिए एप्पल काट दो, तो सारी चीज़ों का बदला वो ऐसे ले रही है सीन में। और वो जानबूझ के जो मेरी सिचुएशन है उसको और वर्स कर रही है वो बोल बोल कर कि जैसे आखिरी निवाला है ऐसा दालमिया बहू तुम खा लो, वैसे भी दालमिया सरनेम तो तुमसे ले लिया जाएगा ये वो, और हमारी कोई औकात नहीं है, तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दिया जाएगा ये वो। तो वो सब सुन के सोनम और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और चली जाती है वहाँ से। अब मे भी हो सकता है रक्षम को समझाने की कोशिश करे कि अगर तुम अडॉप्टेड हो तो भी कोई बात नहीं, तुम दालमिया ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के फिर भी शेयर होल्डर हो, तुम अपनी पोजीशन समझो। तो शायद थोड़ा उसको समझाने की कोशिश करेगी कि वो मान जाए, क्योंकि फ़िलहाल रक्षम भी डिनायल मूड में है कि मैं इस घर का खून नहीं हूँ, मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता ये वो। तो शायद उसको मोल्ड करने का कोशिश करेगी। थैंक यू। किसी के जले पे, सोनम के जले पे बेसिकली, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो डालमिया बन गई है और अब शोहरत आधी प्रॉपर्टी उसके पास हो जाएगी, बट वो नहीं हुई क्योंकि रक्षम अडॉप्टेड निकला। खैर प्रॉपर्टी तो अभी भी उसके नाम पे है, बट मैं फिर भी उसको और भड़काने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास बट नहीं है, सगा सगे का नहीं होता आजकल, तो तुम क्या सपने देख रही हो। तो ये सब बोल के मैं उसे भड़का रही हूँ ताकि वो और भड़के और आगे में भी उन्हों रक्षम पे या नित्यम पे या वेदिका बॉडी पे किसी पे भी अपना गुस्सा निकाले। सो बेसिकली जो डिम्पी के हक का था, यू नो लाइक आधी प्रॉपर्टी डिम्पी और हिमेश की होनी थी, डिम्पी ये देख नहीं सकती कि अब वो सोनम और रक्षम की हो जाएगी इतनी आसानी से। तो डिम्पी वही कोशिश कर रही है कि हेलो आप मेरे एरिया में मेरी टेरिटरी में नहीं आ सकते और आपको यहाँ से निकलना ही होगा। मुझे लगता है आगे और झगड़े होने वाले हैं सोनम का मे बी वेदिका बॉडी या सबके साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि ये क्या था आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले, ऐसे करके डेफिनेटली कुछ झगड़े होंगे सोनम और रक्षम के भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी आगे, ड्रामा तो बहुत है क्योंकि अभी इतना बड़ा ड्रामा इतना बड़ा खुलासा हुआ है, तो आगे और भी ड्रामा और क्रिएट होने वाला है और डेफिनेटली डिम्पी भी कुछ ना कुछ और करने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।